आराम से ले जा, ले जाना तो है ही, उनको मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं आराम से आराम से सही टाइम कुछ नहीं हुआ तो बेटा आराम से उनको बांध। ये बच्चे एक हफ्ते से ढूंढ रहे हैं हम लोग, एक हफ्ते से ये जंगलों में पुश्ते पे घूमता आ रहा है। पट्टा निकाल लो, कोई निकल रहा है पूरे शरीर में से। कोटी का रखते हैं कोई ना साफ कर दे, लेकर ले कपड़े साफ कर दे। मुंह बांधना इसलिए जरूरी क्योंकि वो काट रहा है, हम भी इंसान है काट लेगा तो फिर दिक्कत होगी उसे भी हमें भी। इस हालत में ये कितने दिन से घूम रहा है भगवान जाने। क्यों गुस्सा आई हुई थी तुमको इतनी? गुस्सा बहुत तेज आई हुई इसे। इस हालत में आएगी, फीमेल है ये, हालत है फीमेल्स की पीछे सब सड़क लपड़ा। और ये मुझे ऐसा मतलब लग ही नहीं रहा कि ये कुत्ता है, और बेड तो कुछ है ही नहीं बेचारी में। तो ये हालत है हमारे यहाँ। एक हफ्ते पहले मुझे दो जने मुझे फ़ोन कर चुके हैं इस बच्चे के लिए, और मैं कह रही हूँ भैया इसको पकड़ के रखो क्योंकि हमारे दिक्कत आएंगे, चला जाएगा वो, किसी से पकड़ा नहीं जा रहा, किसी से लोकेशन नहीं बताई जा रही। बस हमने देखा था पूछते पे, तो आज लड़का मेरा गांव जा रहा था तो उसने देखा इसको घूमते हुए, हमने कहा हम आज पकड़ ही देंगे कैसे भी इसे। देखिए जंगल, पूरा जंगल जंगल है, क्या ही तो खा रहा है यहाँ पर, खाएगी बच्ची तो क्या ही इसको, तो ध्यान रखेगा कोई ना। चलो 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 एक बर्तन में खाना पानी, दो बर्तन में नहीं रही है मुझे एक्चुअली में, क्योंकि इंडियन ब्रीड्स में जो माँ बन चुकी है बेटा, जो माँ बन चुकी है एक भी बार वो इतना हल्का वेट नहीं रखते। इसका वेट है जैसे पोमेरियंस का वेट होता है ना, पोमेरियन बड़े हल्के होते हैं, उनके से बाल ही बाल होते हैं। 1% ये भी पॉसिबल है कि ये किसी ब्रीडर की रिजेक्ट हो, बच्चे देने के, बच्चे तो दिए हैं इसमें दिख रहा है, बच्चे देने के बाद जब इसकी ये हालत हो गई हो तो फिर इसको जो है छोड़ दिया, क्योंकि ये यहाँ पूछते की नहीं है। ये पूछते की होती गांव की होती तो ये 101% दिन में 10 बार गंगा जाता, उसका भाई जाता है, हम निकलते हैं, हमें कहीं ना कहीं ये दिख जाती और हम शुरुआत में उठा लेते। इतनी बुरी हालत यानी कि ये अचानक से छोड़ी गई है यहाँ पे शेल्टर के आसपास। वो डर गई ना बेटा, इनको बाहर करो, सबको डर रही है। चलो बच्चे कहाँ से, बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा डर गई है बच्ची क्योंकि बहुत सारे उसने एक साथ बच्चे देखे तो ऑब्वियसली डर गई है। हम पकड़ के लाए, बांध के लाए, एकदम जगह आगे ट्रॉमा तो आ ही जाता है, बहुत डर गई है वो अभी। हमारे लिए कि ट्रॉमा से बाहर आ जाए, खाना पानी पीना शुरू कर दे, फिर देखते हैं कि क्या है।
क्योंकि हालत इसकी बहुत ही बुरी है। खून टपक रहा है, ये आप देख रहे हो, लाल लाने में सारा खून लग गया है। यहाँ पे खून इसके टपक रहा है, सिर में, मुंह में, सब जगह पे। और ये बहुत दिन से मेरे करीब एक हफ्ते से मेरी नजर में थी। एक हफ्ते में दो जने मुझे बोल चुकी है आपके शेल्टर के पास एक बच्चा घूम रहा है। तो आप उसके पास खड़े रहो, मैं पहुंच रही हूँ। नहीं, हम तो निकल गए, आप तो नहीं पकड़ सकते। तो जब तक हम जाते रहे इसको दिखता ही नहीं था। आज बात तो दिख गई, तो हम लोगों ने कहता घेरा मारा उसको। हमने कहा जो होगा काटेगी पीटेगी, देखा जाएगा। थोड़ा सा काट रही थी उस समय, इस समय डर गई है। अभी मैं इसलिए डायरेक्ट इसके मुंह में पानी ऐसे डर के मारे काट सकती। धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। बाकी अगर किसी की क्या कहना पेट है तो भाई ये हालत करके छोड़ना तो अपने आप में पता नहीं कौन सा गुना है। और अगर ब्रीडिंग वाले बच्चे लेने का बड़ा शौक है तो उसका एक एग्जांपल ये माँ है। जिन बच्चों को पाल के आप बड़ा खुश होते हो, जिन बच्चों को पालने का आपको लगता है आपने बड़ा अच्छा काम कर दिया एक छोटे से बच्चे को अडॉप्ट करके, तो ये उसकी माँ की हालत है। ऐसी माँ होती है, बच्चों को आप पालते हो। अगर आप बच्चे ना ब्रीड के पालोगे तो इन माओ की ये हालत होगी नहीं, सबसे बड़ी बात। उसके बाद फेंक दिया जाता है जब यूज की नहीं रह गई। इस हालत में क्या बच्चे पैदा करेगी? जो बच्चे ही पैदा होंगे उनको भी स्केबीज की ये जो खुजली है इसकी प्रॉब्लम होगी, तो वो बच्चे भी कोई नहीं लेगा। तो इसीलिए वो फेंक देते हैं फिर बच्चों को। इंडी तो ये नहीं है 101%, क्योंकि ये बच्चे पैदा कर चुकी है और इसका वेट इतना सा है, बस इतना सा वेट होता है छोटे बच्चे को, उतना सा वेट है। लेट्स सी क्या होता है। प्रेयर करें कि थोड़ा सा बच्चे की जान बचे और बच्चे सही निकले, फिर आगे का आगे। तो उठा ले, काट दो।